हमारा आज का पहला टॉपिक जो नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अखबारों में बड़े दिनों से, बीटी कॉटन को लेकर के। आज का मुद्दा नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है, हर साल ही क्वेश्चन आते हैं, आने वाले सालों में क्वेश्चन आएंगे, आते रहेंगे। तो वही बात, UPSC में क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। बीटी कॉटन के टॉपिक को साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन करना है, इकोनॉमी में भी, सोसाइटी में भी, एग्रीकल्चर के भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव से हमें क्लियर करना है। सारी चीज़ों को टारगेट कर देते हैं, समयबद्ध सीमा में इस टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं जब ये क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, हम यहाँ पे रुकेंगे, हमारे आने वाले दिनों में सक्सेसिव सीरीज़ इस पे आती रहेगी, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। अगर जिन बच्चों ने हमारे इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स लगाए हुए हैं, हमारे इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स में हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर बात की थी, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर बात करते हुए हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस किए थे बहुत डिटेल में, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के हमने क्या क्या भारत में डेवलपमेंट्स हुई, क्या क्या अमेरिका में हुई, कब वहाँ पर पहली बार IPR आया, प्लांट्स में, सीड्स में कैसे डेवलपमेंट हुई, हर चीज़ के ऊपर बहुत डेप्थ में डिस्कशंस की थी, हर चीज़ को पढ़ा था। और सीधा वहाँ से क्वेश्चन इस बार UPSC में है कि पेटेंट किन किन चीज़ों पर अलाउड है, नहीं सीड्स पर अलाउड है, प्लांट पर अलाउड है, नहीं है, बायोलॉजिकल प्रोसेस पर अलाउड ही नहीं। उन दिनों में सारी चीज़ें पढ़ी थी कि क्यों तुलसी के प्लांट के ऊपर बैन किया गया, किस तरह से कम्युनिटी रजिस्टर मेंटेन किए जाएंगे जहां पर स्पीसीज मेंशन होंगी, जो हमारी हेरिटेज की नॉलेज है, सेक्रेड टेक्स्ट के थ्रू देखा जाएगा नॉलेज का लेवल, ये सारी चीज़ें उसमें क्लियर थी। वो बेस आज हमारे पास है, हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, कॉटन का ही इशू है इंपॉर्टेंट, और उसी विषय में बातें होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां आ जाती है, आज वर्ल्ड लेवल पर हम देखें तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द कॉटन। इंडिया कॉटन का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है कॉटन का, तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, अमेरिका को बीट कर गया है यहाँ पर, ये बड़ी बात है। ऐसा कैसे हो पाया, पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी, ये सिचुएशन रिवर्ट हुई है 2002 के बाद। ये सिचुएशन किसने रिवर्ट कराई और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आई कि सन 2005 के बाद से अब तक भारत में प्रतिवर्ष हर साल 12,000 किसानों की मृत्यु होती है, हर साल 12,000 किसान मरता है 2005 से लेकर के अब तक का ये डाटा आता है। एक तरफ कॉटन में हम इतने आगे चले जाते हैं, एक तरफ उसी कॉटन बेल्ट में ये जो 12,000 किसानों की मृत्यु है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है। ये स्टोरी क्लियर करने के लिए टॉपिक आज का इंपॉर्टेंट है, तो ये UPSC के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम भारत की बात करें तो 110 लाख हेक्टेयर एरियाज़ में पूरा कॉटन उगाया जाता है, और आज की डेट में पर हेक्टेयर जो हमारी कॉटन प्रोडक्शन मानी जाती है, डेट इज़ 510 किलोग्राम के अराउंड पाई जाती है। आई बात समझ में? तो ये सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट्स अब हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते चले जाएंगे, आपको समझ आता चला जाएगा कि क्या गेम चल रही है। आइए सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझते हैं, उन चीज़ों को समझने के लिए कुछ साइंस के फेनोमेनाज और कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। देखिए, आप जब भी साइंस के थ्रू चीज़ों को अप्रोच करते हैं तो उसमें आप बॉडी की बात करते हैं तो हम ह्यूमन बॉडी की ही बात कर लेते हैं, उसमें एक सिस्टम क्या रहता है, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। सबसे बेसिक चीज़ जो आपको ऑब्जर्व होती है उसे कहते हैं सेल। जब सेल से ऊपर जाते हैं हम तो क्या होता है मनीषा, कितने सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं मनीषा, टिश्यू बनाते हैं मनीषा, टिश्यू बनता है। कितने सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, कितने सारे टिश्यू मिलकर के क्या बना देते हैं, ऑर्गन्स। और ये ऑर्गन्स हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हमारी स्किन भी एक ऑर्गन है, इट इज़ अ वन ऑर्गन, और ये सेंसरी ऑर्गन्स का पार्ट है। हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं ईयर है, आई है, टंग है, स्किन है, इस तरह से स्किन सेंसरी ऑर्गन का पार्ट है। हमारा लीवर है, हार्ट है, किडनी है, इंटेस्टाइंस है, सब ऑर्गन्स में कवर होते हैं। तो सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है। तो जैसे बॉडी काम कर रही है तो बॉडी का माइंड है, पूरी बॉडी का एक कंबाइंड माइंड है, उसे अगर हम मिनिएचर वर्जन में ले आए, पूरी बॉडी को पानी चाहिए, हम ऐसा बोलते, ऐसा क्यों बोलते हैं कि बॉडी में 70% वाटर है, क्योंकि बॉडी किससे बनी है, सेल से। सेल से क्या बने, टिश्यू, टिश्यू से क्या बने, ऑर्गन, तो बॉडी बनी है सेल से। तो एवरी सिंगल सेल को सर्वाइव करने के लिए चाहिए ना वाटर, एवरी सिंगल सेल को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, वाटर। और उस वाटर को ही उस सेल के अंदर जो रेगुलेट करेगा, जो वॉल्व है कि कितना पानी आना, रुकना और जाना, वो मेंटेन करते हैं डिफरेंट सॉल्ट, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है सोडियम। तो सोडियम के आपके शरीर में ज़रूरत इसलिए है कि वो आपके सेल के अंदर कितना पानी आना, कितना रुकना, कितना जाना, वो एक वॉल्व की तरह काम करता है। तो सोडियम के ऊपर और नीचे होने से पानी के ज़्यादा रुकने या ज़्यादा बह जाने की कंडीशन आती है, इसी को कहते हैं हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, दैट्स इट। तो एवरी सेल में इतनी बड़ी क्वांटिटी में पानी ही पानी है,
तो फिर शरीर में भी 70% पानी है। शरीर को लार्जर एस्पेक्ट में इमेजिन करो और हर सेल को एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट में इमेजिन करो, तो सेल का भी अपना एक ब्रेन पार्ट होता है और वो होता है सेल के अंदर का न्यूक्लियस। ये हमारे सामने सेल है और इसके अंदर होता है एक छोटा सा न्यूक्लियस। हर सेल को वर्क करने के लिए न्यूक्लियस मोटिवेट करता है, गाइड करता है, रेगुलेट करता है। जैसे शरीर को काम करने के लिए दिमाग, ऐसे सेल को काम करने के लिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। हमारी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल 46 होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स ऑलवेज पेयर में होते हैं तो होते हैं 23। तो 23 × 2 = 46। अब आपको ये भी बता दूं कि 2009 पंजाब पीसीएस का ये सीधा ही क्वेश्चन था कि कितने क्रोमोसोम होते हैं बॉडी में। 46 बॉडी में, मतलब कि एक न्यूक्लियस के अंदर, एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर। आई बात समझ में? अब क्रोमोसोम्स की खासियत यहाँ पर क्या है? इन क्रोमोसोम्स पे होते हैं जीन्स। क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये एक खास तरह का एस्पेक्ट होता है, जैसे जैसे आप नूडल्स खाते हो ना, इस तरह की इनकी बनतर बनती रहती है। ओके, ये बनती रहती है और इस पर ये रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट जीन्स। जीन्स भी एक सेल के अंदर लगभग 25,000 से 35,000 के अराउंड जीन्स हो जाते हैं। ओके, और ये जो जीन्स हैं ये भी पेयर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे क्रोमोसोम पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे ही जीन्स भी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। और क्रोमोसोम्स एंड जीन्स का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ये होता है डीएनए। क्रोमोसोम्स एंड जीन्स का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ये डीएनए होता है, जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। अब मुद्दे की बात यहाँ पर क्या है? आपकी बॉडी बिहेव कर रही है, उसको बिहेव करने के लिए माइंड गाइड करता है। ऐसे ही सेल कैसे काम करेगा उसको गाइड करने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करनी है। अब ये सेल को फंक्शन कराने के लिए आपको क्या चाहिए? खास तरह के एंजाइम्स चाहिए, खास तरह के एंजाइम्स चाहिए। ये एंजाइम्स का आधार क्या है? खास तरह के प्रोटीन्स। उन प्रोटीन्स के द्वारा वर्क कराया जाता है सेल को कि सेल कैसे बिहेव करे। तो सेल के बिहेव करने का एक मैनर रहता है, वो एक रेगुलेटेड वर्जन में ही बिहेव करता है और वो बिहेवियर डिसाइड होता है उन प्रोटीन्स के बेसिस पे। और वो प्रोटीन्स का क्रिएशन डिपेंड करता है डीएनएस के ऊपर, और वो डीएनएस जो हैं उनमें इंफॉर्मेशंस रहती हैं सारी, और वो सारी इंफॉर्मेशंस को ही हम कहते हैं जेनेटिकल इंफॉर्मेशंस। और वो इंफॉर्मेशंस उन डीएनए में आई है, जिन इंफॉर्मेशंस को आगे वर्किंग एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करते हैं वो प्रोटीन्स। तो वो प्रोटीन्स डीएनए को बनाने हैं ना, तो प्रोटीन को बनाने के लिए डीएनए को भी तो कोई मैसेजेस चाहिए ना कि किस तरह के प्रोटीन बनाने हैं और क्या काम कराना है। वो मैसेजेस जो हैं वो पड़े हुए हैं कहाँ? जीन्स, क्रोमोसोम्स। और वो कहाँ से आए हैं? आपके पेरेंट्स से आपको मिले हैं, पीछे से इन्फॉर्मेशन आई है तभी ये पेयर में आए हैं। आपके जो पेरेंट्स रहे थे उनमें से जो उनके पास जो जीन के पेयर्स थे उनमें से एक एक उन्होंने आपको कॉन्ट्रीब्यूट किया था, और इसी के आधार पर आज आप खड़े हैं। आपके बालों का घुंघरालापन, स्ट्रेट होना, आँखों का रंग, लंबाई, छोटाई, आपके हंसने का, स्माइल करने का, चलने का, शरीर का ढांचा, बहुत सारी चीज़ें आपको वहीं से कंट्रीब्यूट हो रही हैं। अगर आप इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, इनकी जो स्ट्रिप्ड पैटर्न है और इनकी जो लेंथ है वो वेरी करती है। अगर आप इन्हें फिर ऑर्गेनाइज करें ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड द सिर्फ स्ट्रिप पैटर्न, तो ये सारे एक लेवल पर इकट्ठे होकर 22 पेयर बन जाएंगे। जो लास्ट में रहेगा इनसे अलग दिखेगा। जो 22 पहले बनते हैं उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, और जो लास्ट में बच जाते हैं फिर दो, उन्हें कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो जो वुमेन रहेगी उसमें एक्स क्रोमोसोम रहते हैं, और जो मैन रहता है उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम रहता है। लंबे समय तक जब तक इन चीज़ों की हमें पहचान नहीं थी, क्योंकि डीएनए की शोध और डीएनए का पता ही किसके द्वारा लगा है? डीएनए का पता बाय क्रिक ने हमें इसकी जानकारी दी है, और ये जानकारी 1954 में मिली है। तो डीएनए का जानकारी हमें 1954 में मिलता है। उसके पहले अगर डीएनए के बारे में शोध हुए हैं या कार्य किए गए हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल के सिद्धांत हैं, मेंडल के लॉज हैं, और मेंडल ने ये सब 1856 से 1863 के बीच में किया। मेंडल ने ही सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से स्पीसीज में हैबिट्स ट्रांसफ़र होती हैं, किस तरह से जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, काम होता है। लेकिन एक्चुअल में इसके बाद एक वॉइड आ गया, इसके ऊपर थ्योरीज नहीं आई,
स्टडी जो हुई है वो 1954 में हुई है, और ये 1954 अमेरिका में ये सारी स्टडीज़ हुई, डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर, और इसी के बाद डीएनए की सीक्वेंसिंग को समझा गया कि डीएनए कैसे सीक्वेंस वर्क कैसे परफॉर्म करता है। और डीएनए सीक्वेंस अगर आपको एक बार क्लियर है तो आप उस सीक्वेंस में अल्टरेशंस कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको किसी चीज़ का पता, आपको मेरा पता होना चाहिए कि इनका काम करने का तरीका क्या रहता है। अगर वो पता लगा तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ये सब 1954 में हुआ है। यही रीज़न है कि 1960s और 1970s का समय आते डीएनए में परिवर्तन करने के शोध आ गए, क्योंकि डीएनए के द्वारा पर्टिकुलर प्रोटीन्स होल्ड करना और उन प्रोटीन का पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने की थ्योरीज सारी क्लियर हो गई थी 1954 में। तो इसलिए माना गया कि कुछ अनडिज़ायरेबल चीज़ें जो होती हैं डीएनए के प्रोटीन के वाया, अगर हम उन प्रोटीन्स को रिमूव कर दें तो वो अनडिज़ायरेबल चीज़ें भी तो नहीं होंगी। इस तरह के शोध जब होते रहे तो 1970s में जो कंपनीज़ हुआ करती थी अमेरिका की, जिनके नाम अभी हम डिस्कस करेंगे, उन कंपनी के द्वारा वहाँ पर जीन्स में चेंजेस करने की शुरुआत की गई, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ये सारी चीज़ें वेजिटेशन के ऊपर परफॉर्म की गई। और फिर 1980-82 का दौर था जब इन मामलों में बड़े सारे ब्रेक थ्रूज हासिल हुए, और 1992 जब पहली बार ट्रायल बेसिस पर एक्सेप्ट किया गया कि आप बीटी जनरेटेड सीड्स इनका ट्रायल कर सकते हैं, और 1995 में कमर्शियली यूज़ एक्सेप्ट किया गया अमेरिका में बीटी मॉडिफाइड क्रॉप्स का, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के ये सारी खेल ही इस बात का है कि प्रोटीन कैसे बना रहा है वो डीएनए, जो डीएनए किसके साथ, किस डीएनए का आधार क्या है, जीन है, क्रोमोसोम्स है, तो जीन की सिक्वेंसिंग हमें पता होनी चाहिए। और वो जो प्रोटीन बना रहा है वो प्रोटीन ही सारी गतिविधियों को निर्धारित कर रहे हैं, सेल कैसा बिहेव करेगा, म्यूटेशन भी हो जाती है कई बारी, सेल की वर्किंग पूरी तरह से अल्टर हो जाना जैसी एक्सपेक्टेड है उससे पूरी चेंज चली जाना, तो ये सारी बातें उन प्रोटीन्स में हैं। देर आर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स जिनकी अल्टरेशंस आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, इतनी कहानी समझ आई। अब इसी के बेसिस पर चीज़ें सारी परफॉर्म होंगी आगे। हमें पता लगा एक होते हैं सेल, फिर होते हैं टिश्यूज, फिर होते हैं ऑर्गन्स। सेल्स के अंदर होते हैं न्यूक्लियस, जो सेल को ग्रो करने, सेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट, सेल के ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, सेल का एनर्जी स्टोर हाउस है, सारा कुछ यहीं पर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रियाज और बहुत सब, वो हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। इसके अलावा सेल कैसे बिहेव करे, सेल कैसे ग्रो करे, सेल की फंक्शन कैसे हों, वो सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं किसके बेसिस पर, जो उनके अंदर इंफॉर्मेशंस हैं, वो इंफॉर्मेशंस जो स्टोर्ड हैं वो इंफॉर्मेशंस के बेसिस पर। ये मैंने एक प्रोटीन बनाया, ये प्रोटीन एक एंजाइम के तौर पर खास प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा। इस प्रोटीन ने एक खास प्रोसेस एक्टिवेट किया तो ये एक प्रोसेस है। ये प्रोटीन इसी प्रोसेस को जन्म दे, इसके लिए ये प्रोटीन किसी खास मेथड से बनना चाहिए। वो खास मेथड से जो बनना है उसके लिए पहले से कोई कमांड होनी चाहिए बॉडी में, वो कमांड को हम कहते हैं इन्फॉर्मेशंस। वो इन्फॉर्मेशंस पहले से हैं इसमें, वो इन्फॉर्मेशंस आई हैं वाया द जीनोम्स, वाया द जीन सेल्स, क्योंकि वो जीन्स आपको ट्रांसफ़र किए हैं किसी ने पहले से ही तैयार करके। वो कौन है, आपके पेरेंट्स, उन्होंने वहाँ से वो भेजा है, तो उसके वाया आपकी बॉडी में वो आया है, तो वो सारा कुछ स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। वो जीन्स किसके ऊपर खड़े हैं, बैठे हैं, ऑन द क्रोमोसोम्स। वो क्रोमोसोम्स कैसे आए आपकी बॉडी में, पेयर्स की फॉर्म में। पेयर्स क्यों हैं, 23 हैं, 46 टोटल हैं, तो आधे किसने दिए, मम्मा ने, आधे किसने दिए, पापा ने। आधी इन्फॉर्मेशन किधर से आई, पापा की, आधी इन्फॉर्मेशन मम्मा की, इसलिए टोटल 46, लेकिन पेयर में कितने, 23। तो 23 किसने दिए होंगे, मम्मा ने, और 23 पापा ने। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इंडिविजुअली कितने हैं, 46, पेयर्स में कितने, 23। पेयर्स में ही गिनेंगे तो ही लाभ है, अकेले का तो कोई लाभ नहीं, क्योंकि काम ही पेयर में करते हैं, आधे मम्मा के आधे पापा के, दोनों के मैच होके काम होगा। तो अकेले अकेले 46 है, पेयर में 23 है। आधी इन्फॉर्मेशन फादर की, आधी इन्फॉर्मेशन मदर की। वो इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे रख लिया चुप करके। ये सारी बात हुई क्लियर। अब ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जो है, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर इसको आगे काम कराना है ना। जीन बोला मैं डब्बा बंद पीछे से आया हूँ आपके अंदर, आपके हर सेल के अंदर मैं हूँ, अब मुझे इस डब्बे को खोल के आपको वो जो मैंने लाई हुई कमांड्स हैं वो दे के काम कराना है। तो उसके लिए मुझे वो काम कराने के लिए आई एम एनर्जी, तो नाउ आई वॉन्ट सम मैटर, क्योंकि एनर्जी अपने आप को मैनिफेस्ट मैटर से ही करती है। तो मैटर के तौर पे वो क्या कहेगा, बोलेगा मेरे को कुछ प्रोटीन बनाने हैं। तो जीन जब कहेगा मुझे प्रोटीन बनाने हैं, तो फिर भगवान उसे एक शक्ति देंगे, शक्ति होगी डीएनए की।
क्योंकि वो क्या है, जो आप खा रहे हैं, जो चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं, वो वहाँ से सारी एनर्जी ले रहा है। तो डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, उसको ताकत है कि वो डिज़ायरेबल प्रोटीन बनाने की। तो डीएनए को कमांड आएगी कि ये प्रोटीन बना, वो वाले प्रोटीन बनाएगा जिन्हें आप एंजाइम्स कह रहे हैं। वो एंजाइम्स जैसे ही सेल को मिलेंगे, सेल कहेगा ओके, उसको खोलेगा, ये इन्फॉर्मेशन लिखी है इसमें, मुझे ये बिहेव करना है, फिर सेल वैसा बिहेव करेगा, ग्रो करना है तो ग्रो करेगा, जो भी उसको करना है वो करेगा। तो इस तरह से वो एक सेल काम करेगा, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से आप बने, तो आप भी फिर वैसे ही काम करोगे ना, हो गई ना सारी कहानी। अब ऐसे में सिर्फ इस प्रोसेस को बीच में काटना है, कहाँ पे, पीछे से आए जीन, जीन में थी सारी इन्फॉर्मेशंस, जीन्स आए किसके, कौन से बड़े डब्बे में बंद हो गए, क्रोमोसोम वाले डब्बे में। पहले ऐसे होते जैसे अमेजोन से सामान आता है ना, वैसे ही होता है, पहले बड़ा सा कार्टून है, वो क्रोमोसोम वाला कार्टून है, दो लोगों ने गिफ्ट भेजा है, आधे मम्मा ने आधे पापा ने, वो खोलने हैं, तो वो डब्बा खुला तो जीन, जीन के अंदर कमांडें निकली, कमांड सारी चली गई डीएनए, डीएनए बनाएगा प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो काम कराएगा सेल से, सेल वैसा ही बिहेव करेगा। लेकिन यहाँ पर अब बस एक काम करना है, वो जो पर्टिकुलर जीन है वो जो कमांड देगा तो डीएनए प्रोटीन वैसा ही बनाएगा। सपोज करो मैं जीन हूँ और आप सारे डीएनए हैं, और आप लोगों को प्रोटीन बना बना करके काम कराने हैं बाकी लोगों से, तो बेहतर ये है कि मेरा ही कान मरोड़ दो, कि मेरी कमांड ही अजीब हो जाए। तो जैसे ही मैं फिर कमांड दूंगा वैसे फिर आप काम करेंगे, तो जैसे आप काम करेंगे वैसा ही सेल बिहेव करेगा, तो मतलब आप एंजाइम और प्रोटीन ही वैसे बनाएंगे। तो बेटर ये है कि जीएनए में ही मैनिपुलेशन कर दो, कि डीएनए को ऐसी कमांड्स ही नहीं जाएंगी तो फिर वैसे प्रोटीन ही नहीं बनेंगे, जिन प्रोटीन्स को होस्ट कर लेते हैं या जिनका बेनिफिट ले लेते हैं कई तरह के वायरस बैक्टीरियास, तो फिर वो बीमारियाँ होंगी नहीं, क्योंकि सेल फिर इन्फेक्ट होगा ही नहीं। मतलब कोई भी जीएनए की ऐसी कमांड ना क्रिएट हो जिससे वो एंजाइम वो प्रोटीन डीएनए क्रिएट कर दे, जिस प्रोटीन को खा करके, जिसमें अपना जगह बना करके वो वायरस आ करके बैठेगा आपके सेल में और धीरे धीरे सेल को कुरेद कुरेद के ख़राब करेगा। तो ना भी ना एक सेल ख़राब हो, जिससे ना फिर टिश्यूज़ ख़राब हो, जिससे ना ऑर्गन ख़राब हो, फिर ना बॉडी ख़राब हो। तो बेटर है दवाइयाँ खिलाने से इसको ही अंदर से ठीक कर दो, ओके, कि ये किसी का घर ही ना बने। ये बिल्कुल वैसा है कि शाम को सोने से पहले सबसे बेहतर ये है कि मच्छर काटें, और फिर अलग बात है जाली लगा लो कि मच्छर ही ना घुसें। तो ठीक है, ऐसे अंदर से आपने चेंजेस ही ऐसे कर दिए, वो घुसेगा ही नहीं, ओके, घुसेगा, खाएगा, मर जाएगा, वो भी अभी समझाएंगे। इतनी कहानी समझ आई? Yes. सारा खेला यहाँ पे घूम रहा है। अब यार एक बात बताओ, अगर पौधे के जीन में ये वेरिएशन कर सकते हो, ये पौधे को कौन नहीं खाता, मधुमक्खियाँ आती हैं, भंवरे आते हैं, फ्लाइज बैठती हैं, कई सारी चीज़ें, स्पाइडर्स इसके ऊपर आते हैं, मौत आते हैं, सब कुछ आते हैं, वो आते ना, वो लोग आगे जा करके क्या कराते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, वो क्रॉप्स को आप खाते हो, फिर वो फूड चेन का भी हिस्सा है। मधुमक्खी ये जो फ्लाइज रहती हैं, इनको हम की स्पीसीज कहते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था ना, जिस दिन ये सारी खत्म हो जाएंगी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारी क्रॉस पॉलिनेशन ये करा रही है, और अगर ये खत्म हो गई तो सब खत्म। अब ये सब जो इनको खाती हैं, उनको फिर उनसे जन्मी चीज़ों को आप खाते हो, तो फिर क्या अंतर पड़ेगा, आप अंदाज़ा लगा लो। ये है इन्वायरमेंटलिस्टों का कंसर्न, लेकिन अभी कंसर्न हमें कुछ और करना है। इतना समझ आ गया? इसको रोकें अब कहानी को, अब कहानी समझते हैं असली मुद्दे ही, कहानी क्या है। देखो एक चीज़ समझो, जब आप इंडिया की बात करते हैं तो बात होती है ऑलवेज एग्रीकल्चर। मैंने सारी कहानियाँ बताई, एग्रीकल्चर 58% लोगों को पॉपुलेशन को वर्क दे रहा है। एग्रीकल्चर आप इतनी 130 करोड़ की पॉपुलेशन वाली कंट्री में फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। एग्रीकल्चर आपकी सॉवरेनिटी के लिए ज़रूरी है कि आपको क्रॉप्स के लिए किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े। तीसरी बड़ी बात, एग्रीकल्चर एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स और रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, एग्रीकल्चर पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए, माल न्यूट्रिशन को सेटिस्फाई करने के लिए और लोगों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ कनेक्टेड है, पॉवर्टी कनेक्टेड है, सोशल डायनेमिक्स इससे कनेक्टेड है, रोजी रोटी का मसला है ये, देश की सॉवरेनिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन सिक्योरिटी का इशू है, ये सारी बातें एग्रीकल्चर पर आकर के टिकती हैं। ऐसे में फार्मर हमारा छोटा है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, 63% एग्रीकल्चर रेनफॉल डिपेंडेंट है, रेनफॉल अनसर्टेन है, इरेटिक है, अनरिलायबल है, 4 महीने में आती है मानसून में, कोई तरह के अगर रेनफॉल में वेरिएशन हुई तो फार्मर गया, वो फार्मर जो ऑलरेडी बहुत स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्ड कर रहा है, जिसके पास एक्सपेरिमेंट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना तो उसके पास पैसा है, ना उसके पास समय है, ना उसके पास लैंड है, तो हम कैसे इस फ्रेजाइल एग्रीकल्चर को ग्रो करा सकते हैं, आने वाले समय में हम कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, हम कैसे फार्मर की इनपुट कॉस्ट घटा सकते हैं और हम कैसे फार्मर की अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके लिए अब कुछ करना पड़ेगा, वो क्या हुआ, देखो
बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनमें से मोनसेंटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, मोनसेंटो कंपनी। अब तो मोनसेंटो बेहर इसका नाम हो गया, क्योंकि जर्मनी की एक बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी इसके साथ जुड़ गई है आकर के। अब मोनसेंटो ने क्या काम किए हैं और क्या हुए हैं वो समझना है हमें। सबसे पहले आपको समझना है मोनसेंटो कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की। मोनसेंटो कहाँ की कंपनी है, मोनसेंटो कंपनी। अब ये हो गई मोनसेंटो बेयर कंपनी, जर्मन बायोटेक्नोलॉजिकल लिमिटेड ने इसको कई कई एरियाज में आकर के टेक ओवर किया, इसके साथ मर्जर्स हुए हैं, तो मोनसेंटो बेयर हो गया ये नाम। क्लियर, ध्यान से अब समझो, मैंने वो अमेरिका वाली सारी कहानी समझा दी कि 1970 ऑनवर्ड्स वहाँ पर शोध होने लगे थे कि कैसे आप अपनी क्रॉप्स को इंसेक्ट के अटैक से बचा सकते हो, तो उन्हें इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना सकते हो, पेस्ट रेजिस्टेंट। दूसरा, आप उनकी प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हो, ड्रॉट रेजिस्टेंट, फ्लड रेजिस्टेंट उन्हें कैसे बना सकते हो, ये सारी चीज़ों पर चर्चा हो रही थी और कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए। 1992 में अमेरिका में फील्ड ट्रायल्स हुए, 1995 में कमर्शियल सेलिंग करनी एक्सेप्ट कर ली कि कमर्शियली भेजो इन बीजों को बेच दो, और फिर 1996 में भारत में इसकी एंट्री होती है। तो 1996 में भारत जीन के को मॉडिफाई करके पैदा हुए बीजों को एक्सेप्ट करता है, यानी कि जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स। आप जीन को मॉडिफाई कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स, GM क्रॉप्स। अमेरिका में बहुत डिबेट चल रही है, वहाँ पर यह पाया गया है साइंटिस्टों के द्वारा कि इसके एनवायरनमेंट को, हेल्थ को और सॉइल को कोई नुकसान नहीं है, फूड चेन को नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर यह डिमांड है कि जो भी खाना आप होटल में खा रहे हैं, जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं, उसके ऊपर टैग लगा हो कि यह GM है, ये GM क्रॉप्स है। तो GM सीड बेचने वाली कंपनियों का कहना है कि जब ये अप्रूव हो गया है कि इससे कोई लॉस नहीं है, फिर आप क्यों लिखना चाहते हो कि ये GM क्रॉप है? क्या ये आप सस्पिशन पैदा करना चाहते हैं लोगों के मन में कि वो हवा पैदा कर लेगी कि GM से आ रहा है तो फिर वो खाए ना? तो लेकिन वहाँ के एक्टिविस्ट कहते हैं कि ये लोगों का राइट होना चाहिए कि वो डिसाइड कर सकें कि उन्हें GM खाना है कि नहीं खाना है, उन्हें ये उन पर ओनस होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के GM एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। क्या है ये GM, ये सारी चीज़ें समझते हैं, आओ वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। देखो क्या करना है आपको, मुद्दे की बात क्या है। देखो ये जो इंसेक्ट आकर के फसलों पर बैठते हैं, सपोज करो कैसा हो कि इंसेक्ट ने आकर के फसल को ऐसे खाया, और फसल को जो खाया तो फसल उसके पेट में गई, और पेट में जाने के बाद कुछ केमिकल रिएक्शंस होने के बाद कुछ इस तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस हो जाएं कि वो जो कीड़ा है उसका नर्वस डिसऑर्डर क्रिएट हो जाए, नर्वस सिस्टम ही फेल हो जाए, उसका गट उसके बाकी बॉडी से बिल्कुल सेपरेट हो जाए, केमिकल सिक्रेशंस ही ना हो पाए उसकी बॉडी में और वो मर जाए। और ऐसा होने लगा तो फिर उसके बाकी भाई बंधु आके बैठेंगे नहीं उस बूटे के ऊपर, उस प्लांट के ऊपर, तो फिर कुल मिला करके खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उसकी बॉडी में जाकर के ये सब केमिकल रिएक्शंस हुए, उसके लिए हमें जिस प्लांट पे आके वो बैठा था उस प्लांट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वो प्लांट में चेंजेस करने जरूरी हैं। तो क्या किया जाता है, जीन कल्चर होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। क्या करेंगे आप, देखिए एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं क्रॉस हाइब्रिड करना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कॉटन ले लीजिए, आप गुलाब का फूल ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, आप सेम स्पीसीज से दो डिफरेंट प्लांट लेकर के उनका क्रॉस जब कर रहे हैं वो नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन है, इट इज़ नॉट एट ऑल प्रॉब्लमेटिक, और इसके पूरे अधिकार हैं, ये होता है देश में। लेकिन आप एक स्पीसीज को एक दूसरी स्पीसीज से क्रॉस कर रहे हैं, दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक, ये घातक है, क्योंकि ह्यूमन के साथ, एनिमल के साथ मिल, दो इंसान मिलेंगे तो कभी बंदर जन्म नहीं लेगा। वाय जानते हो क्यों, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसीजर से एवोल्यूशन हुआ है स्पीसीज का बिट टाइम, और आप सारी प्रॉब्लम से लड़ते हुए अपने नेचुरल ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, अपना बॉडी पॉस्चर सब कुछ गेन करते हुए हज़ारों सालों में एवोल्यूशन अचीव किए हो, तो इसकी वजह से एक पाथवे एस्टेब्लिश हुआ है, इसकी वजह से फिक्स ही है कि क्या आने वाला है। लेकिन ये सबसे बड़ा एक देखें तो बहुत बड़ा चेंज होगा नेचुरल प्रोसेस में, कि एक प्लांट लाइफ को आप एक एनिमल लाइफ के साथ क्रॉस करेंगे तो फिर उससे जो तीसरी चीज़ निकलेगी, अब उसमें दोनों हैं, एनिमल के गुण भी हैं और प्लांट के गुण भी हैं। तो ये आपने स्पीसीज के बीच में नहीं, क्रॉस स्पीसीज आपने जीन जो है वो ट्रांसजेनिक आइटम क्रिएट कर दी, एक का जीन दूसरे में डाला, इट इज़ अ ट्रांसजेनिक प्रोसीजर। तो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन को हम ट्रांसजेनिक ग्रोथ भी कहते हैं, समझ आई बात। और इसके हमें बहुत सारे अदर नाम हैं,
इसे जेनेटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक भी कहते हैं, और जेनेटिकल मॉडिफिकेशन तो आपके सामने ही है। ये अलग अलग एस्पेक्ट हैं इसके। हम क्या करते हैं, हमारी जो मिट्टी रहती है इसमें बहुत सारे नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जिसमें एग्जांपल के तौर पे सीधा ही नाम लेते हैं बैक्टीरिया। उन बैक्टीरिया के अंदर ऐसे बहुत से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, बहुत से ऐसे जीन एग्जिस्ट करते हैं जो जीन्स कुछ ख़ास तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्रिएट करते हैं, जिन्हें हम एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं। ये टॉक्सिन्स केमिकल्स जो होते हैं, ये टॉक्सिन्स केमिकल्स को जैसे ही वो इंसेक्ट आकर के खाएगा, तो वो इंसेक्ट की बॉडी में जब ये प्लांट का या उस फ्रूट का हिस्सा जाएगा, तो ड्यू टू द हाई पीएच लेवल ऑफ द स्टमक ऑफ द इंसेक्ट, वो केमिकल जब उसमें सॉल्यूशन में बदल जाएगा, घुल मिल जाएगा, तो उसका नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो मर जाएगा। ये कैसे होता है सारा कुछ, आओ समझते हैं। देखो, एक बैक्टीरिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो सॉइल में रहते हैं, नाम क्या है बैक्टीरिया का, बैसिलस थ्यूरल जेनसिस, बैसिलस थ्यूरल जेनसिस। तो इससे नाम क्या आता है, बीटी। इससे कौन सा नाम आता है, बीटी, बीटी। ये जो बीटी है, इसमें से आप निकालते हैं एक जीन। क्या निकाला आपने इसमें से, एक जीन। वो जीन आपने लिया और वो किधर लगा दिया आपने, आपके सामने कॉटन है। कॉटन क्या है, एक प्लांट है। वो कॉटन प्लांट के जीन के साथ आपने बीटी का एक जीन मिला दिया, तो कॉटन जीन और बीटी जीन दोनों मिल गए हैं। और वो जो बीटी जीन है, जो बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस से निकला हुआ जीन है, उस जीन के अंदर कुछ खास तरह के केमिकल्स हैं। वो केमिकल्स में क्या क्रिएट होता है, डिफरेंट 200 तरह के टॉक्सिन्स, 200 टाइप के डिफरेंट टॉक्सिन्स क्रिएट करने की उसकी ताकत है। ओके, जिन टॉक्सिन्स को हम क्या कहते हैं, पायरेथ्रॉइड्स या पायरेथ्रेन्स। तो इन टॉक्सिन्स को हम कहते हैं पायरेथ्रॉइड्स। ये पायरेथ्रॉइड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं नेचुरल इंसेक्टिसाइडल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये नेचुरल इंसेक्टिसाइडल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी इस कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और ये जो पायरेथ्रॉइड्स होते हैं, या पायरेथ्रिन्स जिन्हें हम कहते हैं, जो एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक तरह के टॉक्सिन्स होते हैं। आई बात समझ में, इन्हें आप एंडोटॉक्सिन्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मैं इन्हें एक्सोटॉक्सिन्स इसलिए नहीं कहता क्योंकि ये बाहर नहीं है, ये शरीर के अंदर हैं, तो दे आर इनसाइड द बॉडी, तो दे आर कॉल्ड एंडोटॉक्सिन्स। ओके, क्लियर हुई ये बात। अब ये जो एंडोटॉक्सिन्स हैं इन बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के अंदर, तो ये कुल मिलाकर के एक खास तरह के उनकी बॉडी के जीन के अंदर प्रोटीन्स ही है ना, दे आर खास टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। तो हम अगर वो जीन निकाल लें उसकी बॉडी का, वो जीन अगर इस जीन के साथ मिल जाए, तो फिर खास तरह के डीएनए बनेंगे, और उस डीएनए में वो जीन की इंफॉर्मेशन तो आएगी ना, वो जीन फिर इस डीएनए को इन्फॉर्म करेगा कि वो वाला प्रोटीन बना। तो वो प्रोटीन जो बनेगा, वो प्रोटीन एक तरह से टॉक्सिन है, किसके लिए, इंसेक्ट के लिए। तो इंसेक्ट आके काटेगा और मर जाएगा। आई बात समझ में। तो हम नेचुरल ताकत ही डाल दे रहे हैं कॉटन के प्लांट के अंदर कि इसे जो इंसेक्ट लगे वो इंसेक्ट लगते ही ख़त्म हो जाए। अब इंसेक्ट आकर के खाएगा, और कौन से इंसेक्ट्स हैं जिनसे हमें कॉटन प्लांट को, कॉटन प्लांट पे अटैक बहुत सारी चीज़ों का होता है। मॉथ अटैक करते हैं इनके ऊपर, स्पाइडर्स अटैक करते हैं, बटरफ्लाइज अटैक्स करती हैं, बहुत सारी चीज़ें अटैक करती हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा इसको प्रॉब्लम रहती है मॉथ एंड बटरफ्लाई से। दोनों को हम कंबाइंड वे में कहते हैं लेपिडोप्टेरन्स। आप लेपिडोप्टेरन्स देखना, ये बटरफ्लाइज की मॉथ की किस्मों को, मॉथ नहीं, मॉथ MOTH, मॉथ्स की स्लॉथ्स होते हैं, मॉथ्स होते हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, इनकी किस्मों को हम लेपिडोप्टेरन्स कहते हैं। तो लेपिडोप्टेरन अटैक इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द कॉटन कल्टीवेशन। तो लेपिडोप्टेरन्स का अटैक होता है। लेपिडोप्टेरन्स की खासियत क्या है, ऐसे आकर के कॉटन के प्लांट पे बैठेंगे। पहले नॉर्मल कॉटन का प्लांट था, उसमें आकर के बैठे, उसको खाना शुरू कर दिया, कॉटन का फाइबर ख़राब हो गया सारा, ग्रोथ ही नहीं हो पाई। और कॉटन किससे जाना जाता है, फाइबर से। तो कॉटन का वो जो बॉल था, उस बॉल के अंदर तो आकर के घुस घुस के बैठ गए। जब किसान उस बॉल को खोलता, कहता ले
बैठा हुआ है अंदर, कौन बैठा हुआ है? पिंक बॉल वॉर्म। कौन बैठा हुआ है? पिंक बॉल वॉर्म। कौन बैठा है? अमेरिकन बॉल वॉर्म। कौन बैठा है? स्पॉटेड बॉल वॉर्म। तो स्पॉटेड बॉल वॉर्म, अमेरिकन बॉल वॉर्म, पिंक बॉल वॉर्म, तीनों अंदर बैठे रहते हैं छुप के। किसान घोलता है, कहता लो भाई हो गया, कॉटन का बॉल बड़ा ही नहीं हुआ। क्यों? कहते अंदर बैठ के तो जितना सामान कॉटन को दे रहे थे नीचे से, सारा न्यूट्रिशन, सारे फर्टिलाइज़र, सॉइल, ये अंदर घुस के खा रहा था उसके गर्भ में बैठ के, गर्भगृह बना के। अब कॉटन कहाँ से होगा फिर? तो जब खोला तो बॉल वॉर्म का, हाय आई एम देयर इन द रूम, सो नो फाइबर डेवलपमेंट। और किसान की 160 दिन की खेती होती है कॉटन की, 180 दिन की, किसान की 180 दिन की मेहनत बर्बाद। तो किसान कहते हैं इसको कुछ करो, ये क्या मतलब कौन है? तो अब वो आता है गर्भ में, अंदर जाना चाहता है, आके पहली बार जब खुरवा कर खाता है, कॉटन कहता है कहा बेटा मेरे को, खाता है, अंदर जाता है। उस कॉटन का जब भी एक भी हिस्सा मेरी स्किन का जब उठाएंगे, एक सेल जाएगा ना अंदर कोई एक, और हर सेल के अंदर मैंने बोला न्यूक्लियस, और हर न्यूक्लियस के अंदर मैंने बोला आपको क्रोमोसोम एंड जीन्स, और उनके वो बनाते हैं खास तरह के डीएनए, वो डीएनओ में होती है, वो बनते हैं डीएनए इन्फॉर्मेशन के बेस पे, तो वो वैसे ही प्रोटीन क्रिएट करते हैं, वो प्रोटीन फिर वैसे ही टॉक्सिन्स और ऐसी अदर चीज़ें रिलीज करते। तो उसने आके कॉटन खाया, उसके अंदर कॉटन का सेल गया, वो सेल कह रहा जाने अंदर, अब जो जीन निकलेंगे वो मेरे अकेले के जीन नहीं है, इस बार मेरे कॉटन के जीन तो हैं, उनमें बैक्टीरिया के जीन भी हैं, और वो बैक्टीरिया के जीन जैसे ही अंदर जाएंगे, वो ऑर्डर करेंगे उसको कि टॉक्सिन्स क्रिएट करो, टॉक्सिन्स क्रिएट होंगे, और वो टॉक्सिन्स क्रिएट हो करके पूरी तरह से नर्वस सिस्टम ही फेल कर देंगे उस किसका, वो जो बटरफ्लाई और जिसने भी खाया था ये, जिनको हम कहते हैं लेपिडॉप्टेरन्स, ये वहीं मर जाएगा, टेर हो जाएगा, और कॉटन का थ्रेड बन फाइबर बनता ही रहेगा, कॉटन को कुछ नहीं होगा। ओके, इसको हम कहते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, इट इज़ अ पेस्ट रेजिस्टेंट जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड, दैट्स इट। सारा खेला इतना ही था, समझ आ गया? बस जिंदगी में एक बात याद रखना कि जीन में होती क्या है, जानकारियाँ। जानकारियाँ क्यों चाहिए? क्योंकि जानकारियाँ बनाएंगी एक खास तरह की आइटम, वो है डीएनए। डीएनए बनाते हैं खास तरह के एंजाइम, वो है प्रोटीन, और वो प्रोटीन करते हैं खास तरह के काम, मतलब लड़ाकू बंदे हैं वो, और वो प्रोटीनों से चलता है सेल, और सेल को चाहे जैसा मर्जी बना लो, उसमें अमृत डालो या विषैलापन डालो, तो सेल में अमृत नहीं है इस बार, सेल में विष है। विष किसने डाला? वो जो बैसिलस थुरनजेनेसिस नाम के बैक्टीरिया का जीन डाल दिया था ना कॉटन में, वो जहर छोड़ रहा है, और वो जहर पी पी करके सारे ये जितने भी लेपिडॉप्टेरन्स हैं ये मर रहे हैं। और किसान कह रहा है वाह वाह ये तो बढ़िया। ओके, इतना खेला समझ आया? अब बीटी कॉटन क्या होता है कोई पूछने की ज़रूरत तो नहीं? लेपिडॉप्टेरन्स क्या होते हैं? बीटी कॉटन कैसे बनता है? बीटी कॉटन सीड को ट्रांसजेनिक सीड को कहते हैं। अपनी बॉडी का एक जीन था, उसमें कहीं से ट्रांस, कहीं से बाहर से कुछ आके घुसाया है, तो इट इज़ अ ट्रांसजेनिक। तो इसलिए आप देखेंगे तो कुछ फूड और कुछ क्रॉप्स अब होटल में लिखती है, उसमें लिखा होता है इट इज़ अ ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट। तो समझ जाना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो पता लगे वहाँ पे मत कहना कि ट्रांसजेनिक मतलब कि ट्रांसपोर्ट करके लिया बाहरों अमेरिका से आया तभी ट्रांसजेनिक है, तो इट इज़ अ ट्रांसजेनिक। इसका जेनेसिस कहीं ट्रांस रीजन, ट्रांस तरीकों से हुआ है। ओके, इतनी बात क्लियर? इससे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। अब ये तो जीन उसमें डाला है ना, ये तो एक चीज़ हुई, इसको ज़रा और भी समझाने की कोशिश करते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे सर एक बार पहले मुझे एक पूरा प्लांट बना के दो जो प्लांट पूरा जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट हो। अब मैं आपको जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट बना के देता हूँ, और फिर वो प्लांट कैसे आगे काम करते हैं फिर वो हम बनाते हैं, फिर बस प्लांट ही प्लांट बनेंगे देखना। तो आपको बनाना है जीएम सीड। कौन सा सीड? जीएम सीड। अब मैं आपको घर पे अगर आपको बीज बनाना है जो कभी नहीं बना पाओगे आप, उसके लिए लैब चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तकनीक, घर पे मतलब बेड पे बैठ के दिमाग में। अब अगर आपको अपने घर में जीएम सीड बनाना है तो मैं बताता हूँ कैसे बनाना है। दिमाग सबसे बड़ी फैक्ट्री है ना, जहाँ ना पहुँचे मनु वहाँ पहुँचे मन, ऐसी कहावत है, जहाँ मनु नहीं जा सकते वहाँ मन जा सकता है। ओके, अब आगे की कहानी समझाते हैं, सीड बना के दिखाते हैं आपको। देखो पहली बार जब बनाया हो तो कैसे बनाया होगा, आओ सबसे पहले आपके पास जो भी पौधा नॉर्मल एग्जिस्ट कर रहा है, एक नॉर्मल पौधा लगाओ और लेके बैठ जाओ अपने टेबल पे, बैठे हुए नॉर्मल पौधा लेकर के। देखो ये जितने भी नॉर्मल पौधे आपके पास रहते हैं सारे के सारे, कहीं से भी पौधे का कोई भी टिश्यू निकाल लो, वहाँ से आप एक नई चीज़ क्रिएट कर सकते हो, ये खासियत रहती है। कोई भी टिश्यू आप ले लो वहाँ से आप एक नई चीज़ बना सकते हो। ओके,
तो सबसे पहले ये जो नया पौधा था, इस नए पौधे के सीड को लिया गया, डन। उस सीड के साथ, उस सीड का जो जीएनए, उस जीएनए में वो जो बैक्टीरिया से निकाला हुआ जीएनए वो डाला गया, मतलब कि उसका रिकॉम्बिनेशन किया एक तरह का, इसलिए इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज भी कहते हैं हम। दोनों का मिलन हो गया, दोनों का मिलान करा करके उसे दबा दिया मिट्टी में। दबाने के बाद उसको क्या किया, पौधा बनाया, और वो जो पौधा बन करके आया, उस पौधे के सीड्स हुए, उसके भी सीड आएंगे ना, और उन सीड्स को क्या कहेंगे, कौन से सीड हैं वो, जीएम सीड, हाइब्रिड सीड, कौन से सीड हैं, हाइब्रिड सीड। वाह, हो गया फिर। बहुत ही सिंपल थी, पढ़ने में डिफ़िकल्ट लगता है यार किताबों में, ऐसे जब कोई समझा दे तो ईजी लगती हैं चीज़ें, है ना। अब ये इंग्लिश में लिखा हुआ बड़ा डिफिकल्ट लगना था, पहले उसका लिया, फिर उसका जीन उसमें डाला, फिर और क्यों, क्या के, क्या किया हमने, फोर्सिबली। एनवायरमेंटलिस्ट इसके लिए बड़ा बड़ा मोटा वर्ड कहते हैं, इट इज़ अ पॉसिबल थ्रस्ट ऑफ द जीन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल इनटू द प्लांट स्पीसीज, ऐसा लिखा होता है। मैंने देसी भाषा में बता दिया कि बैक्टीरिया का जीन लिया, प्लांट की जीन में डाल दिया, और ये वाला बीज जो दबाया, इससे जो पेड़ निकला, बूटा, उस आपके दिमाग में अब ये सुनने में आसान लग रहा है, पहले सोच रहे कि एक बीज से इतने सारे बीज कैसे बनाएंगे, तो मैंने उसका सोल्यूशन दिया कि पहले पौधा लगाया, वो पौधे से जो बीज निकले, अब पता लग रहा है ना कि डीप था, तो फिर उससे जो बीज निकलेंगे वो बनेंगे जीएम बीज। ये हो गया। अब वो जो जीएम बीज निकल रहे हैं सारे के सारे, इनको हम यूज़ करना शुरू कर देंगे। अब ये पर्टिकुलरली जीएम बीज भी इतनी आसानी से इस स्टेप में नहीं बना, इसको बनाने के आगे बहुत सारे तरीके हैं। वो क्या तरीके हैं, ये जो जीएम सीड अब आपके सामने निकल करके आया है, इसे अब, इसका बेनिफिट अब आप सारी स्पीसीज को, प्लांट्स को देना चाहते हैं, तो उसके लिए कई सारी टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक रहती है कि आप वो जो जीन्स हैं आपके पास, जो नए तरह के जीन्स हैं, उन्हें आप कई सारे मटेरियल्स के साथ कोट करते हैं या उनके साथ ब्लेंड करते हैं, और फिर या तो उनकी वर्षा कराते हैं, उनको पेड़ों के ऊपर वर्षा कराते हैं। दूसरा तरीका, कई दिनों तक बांध करके रखते हैं। कई तरह के पार्ट्स होते हैं एक प्लांट के, उनके साथ उन्हें बांध करके रखने का काम किया जाता है। इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट बॉटनी में तरीके अपनाए जाते हैं, ये हम इकोनॉमी में भी पढ़ाया था जब हमने पढ़ाया था, और उस तरह से फिर फाइनल वर्जन्स प्रिपेयर हो जाते हैं। सिंपल सी बात यह है कि आपको हमेशा इतना याद रखना है, एक नॉर्मल प्लांट लेना है, उस प्लांट के अंदर अगर तो आपका एक नॉर्मल पर्सन, आप अपने खेतों में ऐसा करते तो आप एक नॉर्मल प्लांट ऑफ कॉटन प्लांट लेते, नॉर्मल वैरायटी, और दूसरी आप अनदर वैरायटी ऑफ कॉटन प्लांट लेते, दोनों को क्रॉस करते और एक नया वर्जन निकलता, वो होता हाइब्रिड सीड। ये एक बात। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक नॉर्मल वैरायटी ऑफ प्लांट लिया, उसके जीन के अंदर हमने एनिमल के जीन यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया के जीन डाले। वो जीन डालने के बाद इस सीड को, नए सीड को हमने बनाया, इस सीड से हमने पौधा लगाया, और वो पौधे से मिलने वाले सीड के बेसिस पे हमने एक नई चीज़ प्राप्त कर ली है। ये एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ थी, दोनों में फ़र्क है। इतनी बात क्लियर। इंडिया में कंट्रोवर्सी क्या है इसको लेकर के, और ये सबसे ज़्यादा नुकसान क्यों कह रहा है, कंट्रोवर्सी समझाते हैं और नुकसान समझाएंगे। सबसे पहले आते हैं और समझते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं जिसकी वजह से ये इतने बड़े लेवल पे बिका है। सबसे पहला आस्पेक्ट तो ये पेस्ट रेजिस्टेंट हो गया। तो ये क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंट, पहली बात। दूसरी बात, आप जीन को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आप उसे ड्रॉट के लिए भी तो मॉडिफाई करेंगे ना, वो सूखा पड़ने से जो रिएक्शन आता है प्लांट का, उसे आप स्लो डाउन करेंगे, तो आप इसको बना सकते हैं ड्रॉट रेजिस्टेंट। खास तरह के टमाटर बनाए गए हैं जो कई कई दिनों तक सड़ते नहीं हैं, तो आप इसकी क्या बढ़ा सकते हैं, शेल्फ लाइफ, यानी कि किसी भी फ्रूट के अंदर, वेजिटेबल के अंदर, वो जो प्रोटीन्स हैं जो उसे रॉटन स्टेट में ले आते हैं, सड़ा देते हैं, उनकी सिक्रीशन स्लो कर देनी है आपको बस, और उन चीज़ों की, उन केमिकल्स की सिक्रीशन बढ़ा देनी है जो उसे फ्रेश रखते हैं। वो भी कैसे होगा, जीन मॉडिफाई करके। तो इसलिए क्या बढ़ा सकते हैं आप, शेल्फ लाइफ। खास तरह के गोल्डन राइस बनाए गए हैं, ये गोल्डन राइस बेयर ने बनाया, जर्मन कंपनी ने, जो 2 से 3 हफ्ते तक फ्लड को बेयर कर सकते हैं फिर भी सड़ेंगे नहीं, तो ये फ्लड रेजिस्टेंट होते हैं। और गोल्डन राइस बेटा, इस समय आपने पढ़ी होगी, जापान की न्यूज़ अभी आई थी 2-3 दिन पहले, गोल्डन राइस को सैंक्शंस मिल गए हैं, और गोल्डन राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, आज ही डिस्कस करना है। बड़े लेवल पर बच्चों में और औरतों के अंदर विटामिन ए की कमी पाई जा रही है, और ये विटामिन ए हमें मिल सकता है बीटा कैरेटिन से। तो ऐसा किया गया है कि हमने राइस के जीन को मक्की के, मेज़ के जीन के साथ ब्लेंड करके उसमें बीटा कैरेटिन डाल दिया है,
जिससे विटामिन ए पैदा होगा, तो फिर बच्चों में और औरतों में विटामिन ए की कमी होगी ही नहीं, इसलिए गोल्डन राइस है। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट